नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपनी इस एसपी कोचिंग में स्वागत है। तो सब चंगा वाला बिंदास मौज में। चलो तो फिर हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको करवाए थे, आपको बताया था किस प्रकार से होगा, क्वेश्चन भी करवाए थे। एक बार थोड़ा थोड़ा हड़का हड़का फिर से देख लो। ये है पैटर्न, एक ये है, ये ठीक है। एक तो ये डायरेक्ट ऐसे के ऐसे, मतलब कुछ भी जुड़ कर घटकर हो जाती है। इसमें इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इसमें ये ऐसे कि ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें ऐसे हो जाता है और इसमें ऐसे, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जुड़ते हैं या फिर घटते रहते हैं। आया समझ में? अब आगे नेक्स्ट हम चलते हैं किस पर, हमारे क्वेश्चनों पर चलते हैं, क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार दबा कर लाइक शेयर कर दो, दबा कर शेयर करो यार, ताकि मज़ा आए। मज़ा नहीं आ रहा क्लास में आपके में, न लाइक न कोई कमेंट होते हैं इतने, न कुछ शेयर। दबा कर शेयर कर दो, पर दमादम शेयर ठोक दो, फिर हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। शाबाश करो। चलो अब आगे क्वेश्चन देखो। देखो हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखो। CREAT, क्रेट को अगर ये लिखा जाता है तो पटवार, जिसकी आप क्या कर रहे हो तैयारी, तो इसका तो बना दो कम से कम। वैसे तो रीजनिंग में, रीजनिंग किस किस में आती है, पटवार, राजस्थान पुलिस, DP, ठीक है, NTPC, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, और ये जो हमारे चलते हैं क्या आर्मी में SSC, SSC के हर एग्ज़ाम में आती है कम से कम 25 नंबर की, तो मान ही लो। NTPC, ग्रुप डी, पटवार, आर्मी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी में रीजनिंग का आता है। और आपको इस प्रकार से तैयारी करवा रहा हूँ, चाहे आप किसी की भी तैयारी करो रीजनिंग में, तो आपका मतलब ये मान लो एकदम परफेक्ट हो, अगर कंटिन्यू क्लासेज लिए हैं तो, ठीक है। चलो तो करो, कर लिया होगा पटवार का, किया या नहीं। देखो इसमें किस प्रकार से हो रहा है, CREAT, क्रेट। क्रेट को हमने लिखा ACEERT। तो पटवार को किस प्रकार से लिखेंगे हम, पटवार को देखो, 3 नंबर, 18, 5, 1, 20, 5, 1, 3, 5, 5, 18, 20, आप देख रहे होगे। ऐसे तो कोई क्रम न तो कोई संख्या ऐसी जुड़ रही है, न कुछ घट रहा है ऐसा, ठीक है। देखो किस क्रम के आधार पर हो रहा होगा, कौन सा क्रम है, देखो 3, 18, 5, 1, 20, 5, ये की संख्याएं नीचे हैं, तो कैसे जुड़ रहा है, ये अल्फ़ाबेट के आधार पर हो रहा है। यानी कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ए, फिर सी आता है, फिर ई, ई डबल है तो डबल ई, फिर आर, फिर टी, इसी आधार पर है। तो इस आधार पर क्या करेंगे हम, पटवार को करेंगे। तो पटवार को करेंगे तो ये 16 नंबर पर नंबर, और याद तुरंत नंबर लिख लिया करो, पहले सोल्व करने से पहले अपने आप सोल्व हो जाएगा। 1, 20, 23, 1, 18। तो ये किस प्रकार से होगा,
ए ए फिर पी 16, फिर 18, 18 पर क्या है, ये आर है, सॉरी आर और डब्लू हो गए, नहीं एक अक्षर छूट गया हमारा, टी हो गया हमारा। ऑप्शनों के हिसाब से तो आप बहुत जल्दी कर लोगे वैसे तो, लेकिन इस आधार पर देखो हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, वुमेन को अगर ये लिखा जाता है तो क्राउन को क्या लिखा जाएगा, करो लाइक शेयर ठोक दो, कम से कम 100 लाइक तो होने ही होने चाहिए, तुम्हारे कोई लाइक शेयर ही नहीं हो रहा है तुमसे, कम से कम 100 लाइक और शेयर। हर एक बंदा अगर 10 के पास भेजेगा तो कितने हो जाएंगे पता है ना आपको, यार शेयर करने में क्या जा रहा है, 2K भी नेट चाहिए सारा 10 जनों को शेयर करने में, करो फटाफट लाइक शेयर करते रहो दबा कर। अब देखो वुमेन को क्या लिखा जा रहा है, ई एफ डी ई ई, तो क्राउन को क्या लिखा जाएगा, क्राउन को ऐसा क्वेश्चन में पहले करा चुका, कर देखो फटाफट वीडियो को रोक कर कर देख लो, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कितना पर आता है W 23, O 15, M 13, E 5 पर, N 14 पर, और इनके क्या क्रम है, 5 6 4 5 5, आया कुछ ध्यान, ध्यान में आया कुछ, पिछली वीडियो में बताया था मैंने पिछली क्लास में कि अगर नीचे वाली सभी 10 से छोटी हों तो एक बार इनका योग कर देखने की कोशिश करना, तो योग कर देखो 2 और 3 5 पर ई, 5 और 1 6 6 पर एफ, एम 3 और 1 4 पर डी, ई का ई, एन 4 और 1 5 पर ई, इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा, देखो 3 18 15 23 14 क्या होगा, सी का सी, आर 8 और 1 9 पर आई, ओ 5 और 1 6 पर एफ, डब्लू 3 2 5 पर, 5 पर ई, 4 और 1 5 पर ई। देखो उतारो फटाफट, नोट्स बनाते चलो साथ के साथ। देखो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, यदि एप्पल को, देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि एप्पल को ए ई एल पी पी लिखा जाए, ऑरेंज को ए ई ओ जी एन आर लिखा जाए, तो बनाना को क्या लिखा जाएगा बताओ, ए डबल पी एल ई, वो क्या लिखा जा रहा है, ए ई एल पी पी, ठीक है, ऑरेंज को क्या लिखा जा रहा है, ऑरेंज को ए ई ओ जी एन आर, तो बनाना क्या लिखा जाएगा, देखो इनमें किस प्रकार से हो रहा है, न कुछ जुड़ रहा है न कुछ घट रहा है, आपको स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, देखो ए ई एल एल पी ए ई ओ दिख रहा है आपको, पहले स्वर स्वर हैं फिर व्यंजन व्यंजन है, और वो भी किस आधार पर हैं, अल्फाबेट के आधार पर, ना कि इस वर्ड के आधार पर, तो इसमें भी करेंगे ऐसे ही, पहले स्वर फिर व्यंजन, तो पहले स्वर क्या क्या हैं, ए ए ए, ठीक है, अब व्यंजन क्या क्या बच गए, बी एन एन, तो क्या आता है अल्फाबेट के आधार पर, पहले बी फिर एन फिर एन, उतारो आया समझ में, ये किस प्रकार स्वर और व्यंजन के आधार पर हो रहे हैं, ये पहले स्वर आ रहा है हमारा कंटिन्यू, फिर व्यंजन हो रहा है,
ठीक है, उतारो फटाफट, नोट्स बनाते चलो, उतार लो, उतारो फटाफट, उतारो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या हो रहा है इसमें। प्रिंस को ये लिखा जाता है KIRMXV, तो क्वीन को क्या लिखा जाएगा, ये क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखो PRINCE, प्रिंस को क्या लिख रहे हैं हम, KIRMX और क्या V, तो क्वीन को क्या लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या डाल लो, नंबर डाल लो, 16, 18, 9, 14, 3, 5, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, के 11, 9, 18, 13, 24 और वी 22। देखो अब 16, 18, 9 नया कोई संख्या है इसमें जुड़ रही है, जोड़ कर देख लो, यहाँ पर 5 का डिफरेंट, यहाँ पर 9 का डिफरेंट, फिर यहाँ पर फिर ऐसे 9 का माइनस 9 का डिफरेंट, फिर यहाँ पर 1 का डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा आपको पी का क्या है, के आया है, आर का आई आया है, आई का आर आया है, तो क्या दिख रहा है आपको, यानी कि देखो पी का उल्टा के, आर का उल्टा आई, आई का उल्टा आर, एन का उल्टा एम, यानी कि विपरीत क्रम में चल रही है हमारी श्रेणी, सी का उल्टा एक्स, ई का उल्टा वी। अब इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो कैसे होगा ये देखो, वैसे नंबर डाल लो, 17, 21, 5, 5, 14, तो क्यों का उल्टा क्या होता है, जाने क्यों, यू का उल्टा फुल यूज, ई का ईवी इवनिंग, एन का उल्टा एम। ठीक है, देखो अब इनके भी नंबर डाल दो, वैसे होता गया आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो जाता है, लेकिन नंबर डालने से प्रैक्टिस में डालोगे ना नंबर, तो आपको इनके नंबर याद हो जाएंगे और उल्टे अक्षर भी, यानी कि इनके विपरीत क्या आएगा वो भी याद हो जाएगा। जे कितने पर, जे कितने पर, 10, जम्मू कश्मीर, एफ 6 पर, वी 22 पर, वी यूवी उम्र 21-22, एम 13 है, मैं 13। ठीक है, देखो ठीक है, उतारो इसको। अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब उतारो फटाफट, उतारो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो ये हमारी नेक्स्ट टाइप है जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, कौन सी, नंबरों वाली, नंबर कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें देखो यदि रवि को 8149 कहा जाता है, रिंकू को 89412 कहा जाता है, तो मोनू को क्या कहा जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसमें, रवि, रिंकू और मोनू। ठीक है, तो रवि को क्या कहा जा रहा है, 8149 89412, और इसका हमें ज्ञात करना है। देखो आर 18 पर, ए 1 पर, वी 22 पर, आई 9 पर। ठीक है, रिंकू को देखो, रिंकू आर 18 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, के 11 पर, यू 21 पर, एम को देखो, एम 13 पर, ओ 15 पर, एन 14 पर, यू 21 पर। देखो
तो 18, 1, 22, 9 यानी कि ये संख्याएं भी नहीं है, ठीक है, यानी कि इनका क्रम के आधार पर भी नहीं है, न जोड़ के आधार पर, न कुछ घटने के आधार पर है, तो गुणे के आधार पर देखते हैं। 8 गुणा 1 8, 1 का 1, 2 गुणा 2 4, 9 गुणा, यानी कि 9 से कोई संख्या नहीं है, तो 9 का 9। अब इसमें देखो रिंकों में 8 गुणा 1 8, 9 का 9, एन में 4 गुणा 1 4, 1 गुणा 1 1, 21, 2 गुणा 1 2, तो इसी प्रकार किस में हो जाएगा, मोनो में। मोनो में क्या होगा, एम 3 3 गुणा 1 3, 5 गुणा 1 5, एन में 4 एकम 4 गुणा 1 4, यू में 2 गुणा 1 2, 3542, यानी कि 3 5 4 2, ठीक है। उतारो फटाफट उतारो, इसमें किस आधार पर हो रहा है, गुणा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उतारो फटाफट उतारो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम किस आधार पर हो रहा है, कैसे सॉल्व होगा। क्या है हमारा मदर, मदर को क्या लिख रहे हैं, 2 5 6 9 4 7, फादर, फादर को क्या लिख रहे हैं, 1 3 6 9 4 7। अब आते हैं फार्मर, ये क्वेश्चन तो कर दो, आप में से अधिकतर के मॉम डैड फार्मर खेती करते होंगे, ठीक है, माता पिता के लिए ही कर दो कम से कम, और लाइक शेयर और कर दो इस नाम पर। तो यार जमींदारों के बालकों का लाइक शेयर नहीं कर रहे, दूसरों के दिल की भावना नहीं समझ रहे, फिर क्या समझोगे आप। देखो अब किस आधार पर हो रहा है, एम 13 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, एच 8 5 18 6 1 20 8 5 18, फार्मर 6 1 18 13 5 18, ठीक है। तब देखते हैं इन दोनों का योग, योग के आधार पर भी नहीं हो रहा है, गुणा कर कर देख लो, घटा कर देख लो, 3 गुणा 1 3 नहीं हो रहा है, योग के आधार पर नहीं, घटने के आधार पर हो रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चनों में क्या होता है, संख्या का एक विशेष कोड दिया होगा, जैसे इसमें क्या दे रखा है, एम का विशेष कोड 2 है, ओ का 5 है, ठीक है, इसका कोड ये है, विशेष कोड है, तो इस आधार पर फार्मर का कोड क्या होगा बताओ। फार्मर का कोड याद करने के लिए हमें इस आधार पर, इन दोनों क्वेश्चनों के आधार पर क्या होगा, ज्ञात होगा। एफ, एफ इसमें भी है, एफ का क्या कोड है, 1, 1 का क्या कोड है, 1 का 3, आर का 7 7 7, एम का कितना है, 2, ई का 4 4, कितना होगा 4, आर का कोड कितना है, 7 7, यानी कि फार्मर का कोड क्या होगा, ये होगा, ठीक है। उतारो फटाफट फटाफट उतारो उतारो, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, करो फटाफट। गिव बैट गेट, गिव को क्या लिखा जा रहा है, 4 5 7 9, बैट को 1 3 8, देखो गिव बैट, और क्या गेट का क्या है, मैं पूछा है इसमें किस क्या है संख्या, 4 5 7 9 1 3 8, ठीक है।
अब देखो इसमें जी 7 पर, आई 9 पर, वी 22 पर, ई 5 पर, 2 पर, 1 पर, 20 पर, ठीक है 7 पर, 1 पर, 20 पर, 5 पर, अब तक तो रट गए होंगे इनके क्रम, रट लो। अब देखो जी 7, 9, 22, 5, इनकी ना कोई संख्या निश्चित जुड़ रही होगी, स्पष्ट दिख रहा है, ना कोई घट रहा है, ना गुणा हो रहा है, तो इसमें भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह क्या हर एक संख्या का एक अलग से स्पष्ट कोड दे रखा है, ठीक है, इसी के आधार पर क्या गेट का बनाएंगे। तो जी का कोड क्या है 4, एक का कोड क्या है 3, टी का कोड क्या है 8, ई का कोड क्या है ई का 9, ठीक है उतारो उतारो फटाफट उतारो, नोट्स बनाते चलो फटाफट, नोट्स बनाते चलो साथ के साथ, उतारो फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा हेट, हेट को क्या है लिखा है 36, हेट का कोड है, तो रेड का कोड क्या होगा, ठीक है देखो हेट और रेड, तो इसका हमें ज्ञात करना है, इसका हमें दे रखा है, ठीक है। तो देखो H 8, 1, 20, 5, 18, 5, 4, तो इसका कोड क्या दे रखा हमें 36। दो दो का जॉइंट कर देखेंगे तो इसमें दो दो का जॉइंट नहीं हो रहा, तो इस प्रकार से भी नहीं है। फिर इनको जोड़ कर देखते हैं, ऊपर वाली मतलब इनके योग एच 8 पर आता है, ए 1 पर, टी 20 पर, तो इनका योग करते हैं 20, 5, 25, 25 और 8, 35, एक सेकंड मिस्टेक हो गई शायद, 20 और 20 और 5, 25, 25 और 8, 33, 33 और 1, 34, एक बार जोड़ लो, ठीक है इसी प्रकार रेड में हो जाएगा 18 और 5, 23, 23 और 4, 27, ठीक है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई होगी, देखो उतारो फटाफट उतारो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक हो गई तो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको सही तो करवा दिया लास्ट में। देखो टॉम को 48, कम को 36, टॉम 48, कम 36, तो गिव को क्या लिखा जाएगा यह पूछ रहे हमसे, तो उसी प्रकार से देखो 20, 15, 13, 3, 15, 13, 5, 7, 9, 22, 5, ठीक है। तो उसी आधार पर एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे समझ में आ जाए, योग होगा इसमें भी, ठीक है 20 और 15, 35, 35 और 13, 48, 15 और 3, 18, 15, 3, 18, 18 और 3, 33, 33 और 5, 36, तो इसमें देखो 9 और 7, 16, 16 और 22, 22 और 5, 27 और 16, 3, 3, नहीं 3, 4, 43, ठीक है 43, इनका योग हो जाएगा इसमें भी। उतारो फटाफट उतारो, नोट्स बनाते रहो, करो फटाफट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि शेर को चीता, चीता को भालू, भालू को घोड़ा, घोड़े को गधा कहा जाए, तो
तो बताओ जंगल का राजा कौन है। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, यदि शेर को चीता, चीता को भालू, भालू को घोड़ा और घोड़े को गधा कहा जाता है, तो जंगल का राजा कौन होगा? देखो जंगल का राजा कौन होता है बताओ, शेर, ठीक है। और शेर को क्या कह रहे हैं हम, चीता। शेर को हम क्या कह रहे हैं, चीता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चीता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मान लो रीजनिंग का सबसे इजी जो टॉपिक है ना वो यही है, क्या है मतलब यही टाइप सबसे इजी, रीजनिंग में सबसे इजी क्वेश्चन इसी के बनते हैं, ठीक है। तो जंगल का राजा कौन होता है, बस इसमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे शेर, जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, तो इतना तो आप सभी को पता होगा। तो शेर को हम क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, चीता, तो इसका क्या आ जाएगा, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, यदि हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को नीला, नीले रंग को काला, काले को पीला कहा जाता है और पीले को गुलाबी कहा जाता है, तो दूध का रंग कैसा होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में, तिरंगे में बीच का रंग कैसा होगा। तीसरा, तिरंगे में चक्र का रंग कैसा होगा, तिरंगे में नीचे, तिरंगे में नीचे नीचे कौन सा रंग होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का रंग कैसा होगा, दूध का कैसा रंग होता है सभी जानते हो, सफ़ेद। और सफ़ेद को हम क्या बोल रहे हैं, नीला, सफ़ेद को नीला कहा जाता है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, नीला। नेक्स्ट देखो, तिरंगे में बीच का रंग कैसा होगा, तिरंगे का बीच का रंग भी सभी को पता है, देखो ऊपर क्या होता है तिरंगा, ऐसा होता है, ठीक है। ये कैसा, केसरिया, सफ़ेद, हरा, ये इसमें क्या होता है चक्कर, इसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं, पूरी 24 तिल्लियाँ होती हैं, और ये डोर हो गई हमारी, ठीक है। ये क्या हमारा, तिरंगा है, ठीक है। और इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2, याद रखने की बात है, लंबाई और चौड़ाई का पूछे तो 3:2, चौड़ाई और लंबाई का पूछे तो 2:3, ठीक है। तिरंगे में बीच का रंग कैसा होगा, कैसा होता है बीच का रंग, देखो सफ़ेद, सफ़ेद को हम क्या करें, नीला, तो इसमें भी क्या आएगा, नीला रंग, ठीक है। तिरंगे में चक्र का रंग कैसा होगा बताओ, चक्र का रंग कैसा है, इस चक्र का रंग होता है हमारा कैसा, नीला, ठीक है। और नीले को हम क्या कह रहे हैं, काला, तो चक्कर का रंग कैसा हो जाएगा क्वेश्चन में, अपना आंसर काला, ठीक है। तिरंगे में नीचे कौन सा रंग होगा, यानी कि सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, हरा, कौन सा रंग होता है, हरा। और हरा रंग, हरे को हम क्या बोल रहे हैं, हरे को सफ़ेद कहा जाता है, तो क्या होगा इसका, सफ़ेद, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से होते हैं, और बेसिक नॉलेज इतना सबको पता होता है, तिरंगे में कैसा रंग, कौन कैसा होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, उतारो फटाफट, फटाफट उतारो, नोट्स बनाते चलो, फटाफट उतारो, फटाफट करो, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी को सूर्य कहा जाता है, सूर्य को चंद्रमा कहा जाता है, चंद्रमा को मंगल कहा जाता है, और मंगल को आकाश कहा जाता है, तो सबसे गर्म, यानी कि इनमें से सबसे गर्म क्या होगा बताओ, सबसे गर्म क्या हो जाएगा हमारा, सबसे गर्म क्या होता है, सूर्य, ठीक है। और सूर्य को हम क्या कह रहे हैं, चंद्रमा,
चंद्रमा। और बना लो इसमें क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो, जैसे मान लो क्वेश्चन पृथ्वी का उपग्रह कौन है, ठीक है, सूर्य। देखो पृथ्वी का उपग्रह कौन है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है हमारा, क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा को हम क्या कह रहे हैं इसमें, मंगल। आया समझ में, चंद्रमा को क्या कह रहे हैं, मंगल। तो क्या हो जाएगा पृथ्वी का उपग्रह इस क्वेश्चन के आधार पर, मंगल। और क्वेश्चन देखो, इनमें से किस पर जीवन संभव, आसानी से जीवन संभव है। तो जीवन संभव आप जानते हो किस पर है, न कोई सूर्य पर रहता है, न कोई चंद्रमा पर रह सकता है, न मंगल ग्रह पर। तो जीवन संभव कहाँ पर है, पृथ्वी पर। और पृथ्वी को हम क्या कह रहे हैं, सूर्य, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चनों में क्वेश्चन बनाते रहो, उनका आंसर निकलता रहेगा। क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन नहीं, कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। आपको हर प्रकार से बता रहा हूँ फटाफट, बस आप तो लाइक शेयर करते रहो, दबा कर लाइक शेयर कर दो, एक बार फिर से दबा कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, यदि राजस्थान को उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को जयपुर, जयपुर को दिल्ली और दिल्ली को लखनऊ कहा जाए तो नंबर एक भारत की राजधानी क्या होगी। भारत की राजधानी क्या होती है, दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। और दिल्ली को हम क्या कह रहे हैं, लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ इसका क्या आंसर, भारत की राजधानी क्या होगी, लखनऊ। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी क्या होगी, राजस्थान की राजधानी क्या होती है, जयपुर। और जयपुर को हम क्या कह रहे हैं, दिल्ली, क्या होगी, दिल्ली। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली, ठीक है। तो देखो मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, हमारे इस एसपी कोचिंग क्लासेज में बच्चों के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए टेंथ की मैथ की क्लासेज मंगलवार से कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। तो अपने छोटे भाई बहनों को सूचित कर दें और क्लासों का आनंद लें। रीजनिंग आपकी कंटिन्यू चल रही है, बहुत ही जल्द आपकी कंपटीशन मैच की भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और चैनल को यार दबा कर लाइक शेयर करो, शेयर फटाफट कर दो ताकि मज़ा आ जाए आपको भी और हमें भी। कम से कम हर बंदा 10 जनों को शेयर करेगा ना तब काम चलेगा। दबा कर एक बार फिर से लाइक शेयर कर दो, कमेंट करते रहो, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट कर बताएं, या फिर कमेंट की बजाय आप हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। कोई भी सवाल हो, कोई किसी भी प्रकार कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के पर सेंड करें, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।